राजस्थान के जोटवाड़ा में क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए और विकास हेतु योजना को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ड्रोन सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक मार्गदर्शन में हम जोटवाड़ा के विकास के लिए एकीकृत योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण शुरू कर रहे हैं। ये ड्रोन सर्वेक्षण क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को सही तरीके से समझने और विकासात्मक योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक होगा। इससे जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जा सकेंगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी का, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी और अन्य तरह की टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के अंदर लेकर आए हैं। जैसे कहते हैं ना कि लैब से लैंड तक, उस तरह से लेकर आए, हम उनको धन्यवाद देते हैं। आज एक बहुत शानदार उदाहरण है ड्रोन टेक्नोलॉजी का कि ये पृथ्वीराज नगर करीब 1500 हेक्टेयर भूमि, जहाँ पर बहुत बड़ी रिहाइश है, कम से कम 2 से 3 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो सीवरेज सिस्टम है, सड़क का है, वो बहुत उसकी खराब हालत है। शहरी क्षेत्र है लेकिन खराब हालत है। हर साल 1000 करोड़ के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं सड़कों के, हर साल वापस से हो जाते हैं, यानी हर साल एक साल में सड़कें टूट जाती हैं। तो जो पानी जो इकट्ठा होता है, ये ढलान वाला पूरा क्षेत्र है 1500 हेक्टेयर, और पूरे जयपुर का जो इस तरह का जो इस तरफ का जयपुर है, पूरा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। अब एक बहुत साइंटिफिक तरीके से टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए पूरा सर्वे कराएंगे, 5 सेंटीमीटर तक का रेजोल्यूशन की वो पूरी मैपिंग कर लेंगे। ये एक बुनियादी ढांचा एक JDA के पास हो जाएगा। इसके बेसिस के ऊपर JDA अपनी पूरी प्लानिंग आगे करेगा, चाहे ड्रेनेज की प्लानिंग हो, सीवरेज की प्लानिंग हो, सड़कों की प्लानिंग हो। और इसमें हमने ड्रेनेज सिस्टम का जो ये अभी जो कॉन्ट्रैक्ट JDA ने दिया है, वो ड्रेनेज सिस्टम से एक बड़ा नाला भी हम तैयार करेंगे। एक बड़ी सड़क, 60 फीट की सड़क अजमेर रोड से लेकर वो कालवाड़ रोड तक ये सड़क होगी, जिसमें सारा पानी इकट्ठा होकर वो नीचे जयपुर से बाहर की तरफ निकल जाएगा। उसके लिए ये ड्रोन मैपिंग हो रही है। इसमें भी हमारा भारतीय जनता पार्टी, हमारी राजस्थान में भाजपा सरकार का संकल्प नजर आता है। हमने ये कहा था जब हम विपक्ष में थे, अपोजिशन में थे, कि सरकार ने जो पेपर स्कैम शुरू करा है उसकी तह तक जाएंगे। आप देखिए किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण पदों पे जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने अपने पद का नाजायज फायदा उठाया, और जनता के हित के लिए नहीं, खुद के परिवार के हित के लिए। कितनी शर्म की बात है कि खुद के परिवार के हित के लिए उन्होंने काम करा, हर तरह की चीटिंग करी, घोटाले करे, न जाने कितने लोगों के, युवाओं का जीवन बर्बाद हो गया। हम इसकी तह तक जाएंगे, और इंक्वायरी चल रही है, पूछताछ चल रही है, धीरे धीरे बातें निकल के आ रही हैं, और जैसे जैसे निकल के आ रही हैं, हमारा जो नेटवर्क है वो फैलता जा रहा है,